फ्रेंड को ब्रनोज इंटरनेशनल के अंदर आपका स्वागत है। और कॉम्पटे एन प्लस की नेटवर्क की कोर्स के अंदर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो मैंने पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था डीएसएल राउटर्स के बारे में, डीएसएल राउटर क्या होता है, इसका कनेक्शन वगैरह, फिर एनआईसी कार्ड क्या होता है, एनआईसी टेक्नोलॉजी क्या होती है, मैंने आपको समझाया था नेटवर्क इंटरफेस वगैरह। और फिर मैंने आपको समझाया था कि एन आई सी कार्ड PCI X16 और PCI कार्ड के ऊपर हम माउंट करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर, और जिस तरह की हमें रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम जो है PCI कार्ड हम लेते हैं कनेक्शन को यूज़ करने के लिए। डिपेंड है आपके ऊपर किस तरह से आप कनेक्टिविटी करना चाहते हो। तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी थी। DSL वायरलेस राउटर अभी हम पढ़ रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, वही DSL राउटर जहाँ पर हमारा कोई भी घर का हम राउटर देखते हैं, ये होम राउटर होते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि जहाँ से हमें कोई भी एक इंटरनेट का कनेक्शन हमें मिलता है, कोई भी हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP जो हमें इंटरनेट देता है, तो यहाँ पर इसका केबल लगेगा और बाकी जितनी भी हम इसको हम लैंड कनेक्शन में जोड़ेंगे। लैंड क्या होता है सभी का मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको पता चल जाएगा। ओके, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन इन सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था। तो वैन पोर्ट कनेक्टिविटी और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। तो ये जी इतने भी है वैन कनेक्शन, वैन लैन कनेक्टिविटी और भी बहुत कुछ मैंने आपको वन बाय वन समझाया था। ओके, तो ये जो है वायरलेस राउटर नेटवर्क डायग्राम, उसके अंदर मैंने आपको टीपी लिंक अभी तो मैंने टीपी लिंक में समझा दिया, डी लिंक के बारे में कम्प्लीट में समझाऊंगा, फिर बाद में टीपी लिंक के अंदर समझेंगे। तो नेट गियर मैंने आपको थोड़ी बहुत ही समझा था, डी लिंक के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर राउटर का मॉडल वगैरह सब कुछ, कोई भी आप चाहते हो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, डीबी लिंक हो, टीपी लिंक, कोई भी राउटर हो, आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा राउटर का मॉडल नंबर है। हमारे पास एक PC या लैपटॉप या एक बार हम वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन कर ले तो हम मोबाइल से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं तो PC या लैपटॉप से। और फिर हमारा इथरनेट टेक्नोलॉजी, हमारा विभिन्न फेज के लिए हमें एक इथरनेट केबल चाहिए होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। पावर केबल हमारा राउटर 12 वोल्ट होता है, कभी कभी कुछ जगह पर 21 वोल्ट का भी होता है, तो डिपेंड करता है कि 12 वोल्ट का जो एडेप्टर है कितने एम्पियर का, वही उनका ओरिजिनल राउटर का पावर केबल और कनेक्टर रखे, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो ही हम रीसेट करेंगे, वरना हमें रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको टीपी लिंक के बारे में बताया था, टीपी लिंक की कनेक्टिविटी, टीपी लिंक की राउटर्स के अंदर, और इसके अंदर मैंने IP एड्रेस वगैरह जो मैं आपको समझाऊंगा अभी नहीं। तो कहने का मतलब है कि टीपी लिंक के अंदर कनेक्टिविटी कैसे होती है, थोड़ा सा टीपी लिंक का मैंने आपको समझाया था किस तरह का होता है, राउटर्स वगैरह, कनेक्टिविटी और भी बहुत कुछ मैंने आपको वन बाय वन समझाया था। अभी जो हमारा चलेगा यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट सिस्टम, ये कह सकते कि हम अपने टी लिंक के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, तो वही सेम चीज़ मैं आपको समझाऊँगा कि तो जैसे कि आप मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि कोई भी हम राउटर लेते हैं तो उस राउटर का हमारा IP एड्रेस होता है और एक हमारा IP एड्रेस होता है। तो जो गेटवे होता है वो हमारा राउटर का गेटवे होता है, हमें जानना होता है नेटवर्क के इंटरनेट सेटिंग। और हमें यहाँ पर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी देख सकते हो कि मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट हूँ अपने राउटर की कनेक्टिविटी से। तो कहने का मतलब कि हमें अपना सिस्टम और कम्युनिकेशन की पूरी परफेक्ट, एक तरह की कम्युनिकेशन का जो हमारा मेन नेटवर्किंग वगैरह जितने भी हो वो हम जो है सेटअप करते हैं यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ कि कैसे उसको ढूंढना था, आपको यहाँ से जाना है और आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। ओके, तो दिस PC में जा रहा हूँ और मुझे कंट्रोल पैनल ओपन करना है, तो एक्चुअली मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ पहले। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से इसको सर्च कर लेता हूँ कंट्रोल पैनल, एक सीधा सा एक रास्ता है, कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया। कंट्रोल पैनल ओपन करके आपको नेटवर्क में जाना है, मैंने आपको समझाया था नेटवर्क सेटिंग सेंटर में आप जा सकते हो।
और आपको यहाँ पर एडेप्टर पर जाना है, चेन एडेप्टर सेटिंग्स के अंदर। अभी मैं जो है वाईफाई के अंदर कनेक्ट हूँ और दूसरा ही मेरा इथरनेट है, ये दोनों कनेक्शन मेरे पास है। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, स्टेटस में जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर डिटेल में जा रहा हूँ। ओके, तो स्टेटस में जाने के बाद डिटेल में जाना है। आपको यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है मेरा राउटर, यहाँ से इसको ओपन कर सकता हूँ और ये जो है मेरा खुद का अपना आईपी एड्रेस है। ओके, ये आईपी एड्रेस जो है खुद का अपना मेरा आईपी एड्रेस है। तो ये होता है मशीन आईपी एड्रेस और एक होता है हमारा डिफॉल्ट गेटवे जिसको हम कहते हैं हमारा राउटर का आईपी एड्रेस। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो मुझे जो है मेरा राउटर ओपन कर मिल जाता है। प्रो एक जो है इम्यूलेटर का मैं यूज़ करता हूँ आपको समझाने के लिए, ओके, बताने के लिए, क्योंकि कुछ पर्सनल मेरे सिक्योरिटी के कारण मैं आपको वो चीज़ जो है सेटअप नहीं, लेकिन सेम एज इट इज़ यही मेरा राउटर है। ओके, DR6 15 है और ये DR6 15 के अंदर हर सेटिंग जो है मैं 70-75% आपको सेम ही मिलेगी। ओके, तो पहले मैंने आपको टीपी लिंक के बारे में बताया था, अब हमें डी लिंक के बारे में समझ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो डी लिंक जो है ये क्या है? डी लिंक भी एक ब्रांड है, ये भी नेटवर्क डिवाइसेस बनाती है, लेकिन किसके अंडर के अंदर वो कुछ सिस्को के अंडर चीज़ें बनाती है, कुछ अपने तरीके से कुछ डेवलप करती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो IANA के अंडर भी ये जो है डी लिंक ब्रांड बनाती है, टिपलिंग भी यही करती है। तो कहने का मतलब कि अगर हम ये कहें कि राउटर जो है वो कोई भी नई कंपनी आती है मार्केट में, मान के चलते हैं कि एक दो कंपनी या तो फिर और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम जिसके अंदर हमारा 3-4 दिन या 3-4 साल में या तो फिर 2-3 दिन में कोई नई कंपनी लॉन्च होती है और वो कोई नई राउटर बनाती है, तो उसको भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगी, कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है और फिर बाद में उसका हार्डवेयर का वर्जन, डिज़ाइनिंग, फॉर्मवेयर सब कुछ जो है उसको मैनेज करना पड़ता है। इतना सारा जो होता है वो कोई ऐसा सिंपल सा नहीं होता। ओके, तो वो तो कंपनी की अलग बात है, वो तो अलग चीज़ है। हमें ये समझना है कि अभी हम नेटवर्क के अंदर हैं और हमारा राउटर कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है हमारे यहाँ से, क्योंकि हम डी लिंक राउटर के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग्स से, है, बहुत सारे फीचर्स है। सेटअप में देखोगे, एडवांस में जाओगे तो एडवांस में बहुत कुछ मिलेगा, टूल्स में जाओगे टूल्स में बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ तक कि स्टेटस में जाओगे स्टेटस में भी आपको बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर। ओके, तो मैं डिवाइस की इंफॉर्मेशन में पहले आपको समझा देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए और समझें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पिछले जितने भी मैंने वीडियोस बना कर रखे हुए राउटर क्या होता है, राउटर की कनेक्शन क्या होता है, राउटर का सिस्टम क्या होता है, वो सब कुछ आपने पढ़ लिया होगा तभी ये चीज़ें समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगी। और दूसरी कि अगर मेरी थोड़ी आवाज़ आपको थोड़ी सी लगे तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लेकिन ये जो है नॉलेजफुल वीडियो सभी को मैं देता हूँ ताकि हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर कोई ऐसे लोग भी है जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसों के लिए सिर्फ यहाँ पर आते हैं। मैं वो चीज़ नहीं पढ़ा था। मैं सिर्फ प्योर नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये डी लिंक राउटर DR615 मॉडल नंबर क्या है और कैसे ये काम करता है और इसके अंदर कनेक्शन या फिर यू कह की सेटिंग हम कैसे करते हैं। तो सभी जो है यहाँ पर राउटर की हम बात करें तो ये सेम एज इट इज़ हमको मिलता है एग्जैक्टली। तो हम समझते हैं और हम कंप्लीटली इसको कन्फिगर करना से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो मैं है शुरुआत करूँगा, मैं पहले स्टेटस पर आ जाऊँगा। ओके, और डिवाइस की इंफॉर्मेशन के अंदर से जाऊँगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है
मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर नेटवर्क सॉफ्टवेयर यहाँ तक कि एडवांस टीका लेकिन और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है जो भी आपको सिखाने के लिए एक बटन पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आपको जो भी आपको बेसिक से आप स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कम्प्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर, विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह पेटीएम क्या होता है और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो
लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, या इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्लेलिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए तो। आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि अगर आप एक बार राउटर को सेटअप कर लेते हो, राउटर को स्टार्ट कर लेते हो, या तो फिर अपने राउटर को रीसेट कर दिया तो आपको 192.168.0.1 ये आईपी एड्रेस आपको राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए मैंने आपको कहा था कि एक जगह पर आपको केबल लगाना पड़ेगा और दूसरी जगह पर आपके कंप्यूटर में केबल लगाना पड़ेगा, और फिर बाद में जो है कनेक्शन आपको इस तरह से करोगे तो ये जो है इंटरफेस इस तरह से राउटर का ओपन हो जाएगा। लेकिन आपने एक बार उसको मेन कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, उसका आईपी एड्रेस चेंज किया, तो वही आईपी एड्रेस आपको रखना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर राउटर का डीएनएस आईपी एड्रेस गेटवे जो है कुछ इस तरह से आता है 171.23.144 और इस तरह से आपने रखा हुआ है लैग का आईपी एड्रेस, तो आपको वही आपको जो है राउटर का कनेक्शन के अंदर वही यही आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। ओके, जैसे ही आप एंटर करते हो तो यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। ओके, यूजर नेम पासवर्ड आने के बाद मैंने आपको समझाया था कि यूजर नेम पासवर्ड के अंदर जितने भी होते हैं कुछ डिफॉल्ट पासवर्ड और डिफॉल्ट सेटअप होते हैं। तो जैसे कि मैं कहूँ कि अगर ये देखो ये आईपी एड्रेस मेरे इस कंप्यूटर का है, ये राउटर का आईपी एड्रेस नहीं है, और ये जो है हमारा गेटवे है, ये जो हमारा गेटवे बनता है ये राउटर का हमारा आईपी, तो गेटवे को आप पहले कनेक्ट करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो अगर आपकी सिस्टम के अंदर ये आईपी एड्रेस एलोकेट है और ये चीज़ आप जानते हो कि मुझे ये जो आईपी एड्रेस है 112.1.1.1 ये चीज़ मुझे मिल रही है, तो इसके अंदर आपको यूजर नेम पासवर्ड भी डालना होता है। यूजर नेम पासवर्ड आपकी वाईफाई की सिक्योरिटी, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो सारा का सारा सेटिंग्स जो है कोई भी चेंज कर सकता है, कोई भी सेटअप दे सकते हो अलग अलग तरह से, कोई भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर दे सकते हो यहाँ पर। ओके, ये मेन चीज़ है आपको। तो मेन चीज़ है क्या, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं जैसे मोर पर क्लिक करता हूँ तो मुझे डिवाइस के अंदर पूरी स्टेटस की हेल्प मिल रही है। तो डिवाइस की इंफॉर्मेशन पर डीएसपी कनेक्शन क्या होता है, पहले तो आपको डीएसपी समझना पड़ेगा। डीएसपी मैंने आपको समझाया था कि ऐसा प्रोटोकॉल है कि आपके नेटवर्क के अंदर 300-400 कंप्यूटर, तो आपको बार बार हर 300-400 कंप्यूटर की हर एक इंडिविजुअली आप खुद को ही आपको वहाँ पर जाना होगा, फिर वही चीज़ यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लेन ओपन करना होगा, एक कंट्रोल प्लेन के अंदर चेंज नेटवर्क में आना होगा, फिर यहाँ पर इथरनेट में आना होगा, फिर हर जगह पर प्रॉपर्टीज में जाना होगा, हर हर जितने भी 300 कंप्यूटर के अंदर मैन्युअली आपको ये जो है इस तरह से आईपी एड्रेस डालता जाना पड़ेगा, और ये चीज़ जो है क्या है बहुत टाइम लगाने वाली चीज़ है। लेकिन आपको कोई ऐसा सर्विस चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए कि एक बार अगर आप उस आईपी एड्रेस की हम रेंज सेटअप कर लेते हैं, स्टार्टिंग आईपी और एंडिंग आईपी, ओके, तो ऑटोमेटिकली जैसे कनेक्ट हो आईपी एड्रेस उसको ऑटोमेटिकली मिल जाए, गेटवे भी ऑटोमेटिक मिल जाए, सबनेट मास्क भी ऑटोमेटिक मिल जाए,
ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाए तो इसके लिए बनाया गया डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये जो है ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस देने के लिए टीएसपी सिस्टम बनाया गया है। अब मैंने पीओपी समझाया था, पॉइंट ऑफ वन पावर ऑफ इथरनेट, पॉइंट ऑफ वन टनलिंग प्रोटोकॉल, लैन टू टनलिंग प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है डी लिंक वगैरह, और भी स्टैटिक प्रोटोकॉल मैंने आपको समझा था कि इसको मैन्युअली हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, राउटर के अंदर खुद ही मैन्युअली हमें जो है आईपी एड्रेस डालना होता है। ये खास तरह के प्राइवेट आईपी एड्रेस के प्राइवेट कनेक्शन के लिए हम स्टैटिक करते हैं। अब ये जो होगा, ये जो है कनेक्शन, ये पूरा जो है हमारा वैन कनेक्शन हो गया वायर एरिया नेटवर्क के लिए, मतलब कि जहाँ से हमारा इंटरनेट आ रहा है उसका कनेक्शन का सिस्टम हो गया। अब हमारा जो है अंदर का आईपी एड्रेस की हम बात करते हैं, तो जहाँ पर हमारा राउटर ओपन होता है तो हम वायरलेस लैन कॉन्फ़िगर करते हैं या तो फिर लैन कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, अब लैन का मतलब क्या होता है? देखिए लैन जो कनेक्शन होता है, एक होता है वैन और ये होता है लैन। वैन का काम क्या होता है? वैन का काम होता है कि बाहरी नेटवर्क को हमारा जो है पूरी इंटरनेट एक्सेस करवाना, और लैन का काम होता है कि अंदरी नेटवर्क का, अंदर का नेटवर्क को वो बाहर के नेटवर्क की कनेक्शन करवाने के लिए, इसके लिए हम लैन। अब ये जो हम डीएसपी बनाते हैं ये एक्चुअली में कहाँ काम आता है? लैन के अंदर काम आता है। ओके, वैन के अंदर कभी काम नहीं आएगा। वैन जो है वो आता है वो लोग करते हैं जिन लोगों ने आपको आईपी एड्रेस और एक कनेक्शन दिया, वो उनके सिस्टम में है। ओके, आपके पास अथॉरिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपके पास ना आईजीएमपी है, बीजीपी है, ना कोई आपका नेटवर्क आप बनाए हो, ना कोई आपको और भी बहुत सारे कोई सिस्टम बनाए हो, तो इस वजह से ये चीज़ें आपके पास होती है। अब हम लॉक की बात करें, लॉक्स क्या होता है? मैंने आपको समझाया था इवेंट कंट्रोल पैनल लिस्ट में जाओ और कंट्रोल पैनल के अंदर आपको लॉक इवेंट रिवर करके आपको लॉक मिलेंगे। अब ये लॉक क्या करता है? राउटर के अंदर कौन कौन से कनेक्शन होते हैं उसके रिकॉर्ड जो है राउटर के लॉक्स के अंदर होते हैं, उसके साथ और भी बहुत सारी इंटरनल सिक्योरिटी, सर्वर सपोर्ट, बहुत कुछ उसके अंदर होता है। वो क्या क्या दे सकते हैं? फायरवॉल की सिक्योरिटी भी दे सकते हो, सिस्टम को भी दे सकते हो, राउटर के स्टेटस को भी दे सकते हो, कोई क्रिटिकल एरर, कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो भी वो मैसेज करके आपके वो खुद के अंदर भी स्टोर कर लेगा, और वार्निंग होता है वार्निंग भी स्टोर करेंगे। ये जो जितने भी लॉग होती है एक तरह की नोटबुक की तरह काम करता है, लॉग जो होता है वो नोटबुक की तरह काम करता है। और अगर हमें कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क के तो हम क्या उसको चेक करते हैं, देख लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो सेटिंग जो होता है अभी तक जो होता है वो लॉग सेटिंग होता है। रिफ्रेश करना होता है, क्लियर करना होता है, ईमेल कर सकते हैं, सेव लॉग भी कर सकते हैं, डिपेंड है हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक का मतलब ये होता है हर राउटर में कोई पर भी जाओ आपको मिलेगा हर चीज़ में जाऊँगा। सेंड क्या होता है कि अगर पैकेज सेंड होता है तो कितने राउटर के अंदर होता है, कौन से राउटर के अंदर, तो आप इसको पैकेज जो पैकेट को भी आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। रिसीव होता है तो रिसीव कितने पैकेट होता है वो भी बता रहे हैं आप। मैं ठीक समझाया था, अगर आपका राउटर ओके फाइबर पर चल रहा है या तो फिर इथरनेट पर चल रहा है तो भी टीएक्स और आरएक्स हो गए ही होंगे। तो पैकेट ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि आपका राउटर कौन कौन से पैकेट जो है ड्रॉप कर चुका है, उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है, तो ये जो ड्रॉप किया है तो उसके अंदर सैंड एरर और कॉलिजन और राउटर की रिसोर्स की लिमिटेशन सब कुछ आपको जो है मिलता है। कॉलिजन मैंने आपको समझाया था कि सामने से भी डेटा आ रहा है, आपका भी डेटा आ रहा है, और बीच में जो भी हो रहा है कॉलिजन उसको कहते हैं। ओके, तो इथरनेट कॉलिजन ज़्यादातर होते हैं, तो एरर जो होती है उसके भी आपको लॉग मिलते हैं। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है या कनेक्शन के अंदर प्रॉब्लम तो आपको मिलते हैं। अब इंटरनेट सेशन क्या होता है, ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन हम उसको कहते हैं कि पेज जो होता है फुल डिटेल के साथ हमारे इंटरनेट के साथ हमें निकल कर आता है। ओके, मैंने सेशन लेकर समझाया था, अभी मेरा इंटरनेट चल रहा है, अब जैसे कि मैं गूगल को ओपन कर दो, एक सेकंड में जो है गूगल ओपन हो गया, मतलब कि एक ही सेकंड के अंदर मैं जो है यूएसए में जाकर आ चुका हूँ मेरा कंप्यूटर। अगर मैं इसके अंदर लिखूँ डायरेक्ट सीधा यहाँ पर फेसबुक लिखता हूँ डायरेक्ट, चलो, या तो फिर कुछ और लिखता हूँ कि आईआरटीसी, ओके आईआरटीसी लिखता हूँ, आईआरटीसी लिखता था मुझे जो है आईआरटीसी की मुझे एक एग्जाम्पल, अभी जो है गूगल से डायरेक्ट होकर सीधा आईआरटीसी की वेबसाइट के अंदर चला जाता है। ओके, अभी आईआरटीसी क्या है? इंडियन रेलवे।
अब ये जो है मेरे इंडिया के सर्वर के अंदर है। ओके, इंडिया के अंदर मेरा भारत, हमारे भारत देश के अंदर सर्वर है, ये दूसरा सर्वर है। तो कहने का मतलब क्या है कि पूरा जो वेबसाइट जो है ओपन हो रहा है, कैसा ओपन हो रहा है, देख सकते हो कि यहाँ पर ये डेटा जो है इसको भी देख सकते, यहाँ पर ये देख सकते कुछ इस तरह से, यहाँ पर कोई हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ पर कोई बैनर लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह की हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ पर हमें देख सकते हो कि एक पोर्टल ओपन हो रहा है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर ट्रेन वगैरह, फ्लाइट, होटल वगैरह सब कुछ जो है ये वेबसाइट के अंदर। अब ये वेबसाइट इतनी बिजी होती है, कभी कभी टिकट भी नहीं मिल पाते हैं। ओके, तो ये चीज़ मैंने क्या है कि हमारा जो है, कहने का मतलब कि मैं जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो सेशन क्या कहता है कि पूरा पेज जो है फुल डिटेल के साथ ओपन होता है इंटरनेट सेशन के अंदर, तो वो सेशन जो होता है कन्वर्जन बिटवीन प्रोग्राम और एप्लीकेशन। देख सकते हो कि ये जो है प्रोग्राम ही है, इसको क्या कहते हैं, तीन इसके साथ प्रोग्राम जुड़े होते हैं, एक HTML का प्रोग्राम होता है, दूसरा होता है उसके डेटा का सेव करने के लिए, और तीसरा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, इसके अंदर आपको C++, जावा, पाइथन, रूबी, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेव करने के लिए, मतलब कि प्रोग्राम तो लेकिन उसका डेटा सेव भी होना चाहिए। ओके, आपने टिकट बुक की, लेकिन टिकट बुक ऐसी हुई है कि सिर्फ वेबसाइट के ऊपर देखा जाता है, लेकिन जैसे वो कोई डेटा ओपन होता है, आपका डेटा ओपन हुआ ही नहीं, तो वो किसी न किसी सर्वर पर आपको सेव करवाना पड़ेगा। तो यही चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो जैसे कि गूगल है, तो गूगल के ऊपर से मैं क्लिक करता देख सकते हो कि यहाँ पर जितने भी हैं ये भी वेबसाइट के अंदर कहीं ना किसी जगह पर जो है इसका डेटा पड़ा हुआ है गूगल का। ओके, तब जाके ये जैसे यहाँ पर ये सब कुछ जो है ओपन हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ आपको है। ओके, अब लोकल की हम बात करें तो IP एड्रेस आपके पास होता ही, हर वेबसाइट का IP एड्रेस होता है, और उसका जो है एप्रोसिएट, उसका पोर्ट नंबर, लोकल एप्लीकेशन भी होती है, नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर होता है, ये पोर्ट नंबर को ये सकते कि वैन सारे एप्लीकेशन के अंदर मदद करता है, इंटरनेट, मैंने आपको कहा था कि इंटरनेट चलाने के लिए भी आपको IP एड्रेस चाहिए ही होगा, और वहाँ पर उसको पोर्ट नंबर एप्लीकेशन वो भी इंटरनेट के, प्रोटोकॉल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोटोकॉल जो है वो हमारे काम आते हैं। ये IRTC की वेबसाइट के अंदर आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है पैडलॉग होता है, यहाँ पर इसको पैडलॉग बोलते हैं, ये हमें जो है सिक्योरिटी देता है, ये कहता है कि आपकी ये जो वेबसाइट है फेक नहीं है। ओके, फेक का मतलब कि ये जेन्युइन वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी, मतलब कि आधा इंटरनेट वायरस से भी भरा हुआ है, जैसे कि गेमिंग का हो गया, ऐसे ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस डाल देते हैं, वो सब कुछ मैंने जो है मैन्युअली को इथिकल CSU की प्रोग्रामिंग CSU के सिस्टम में समझा दिया है। ओके, तो ध्यान से देखिए कि ये जो है सिस्टम जो है, ये जो टेक्नोलॉजी की इस तरह से दिखा देना चाहिए, ये जो है ये सब कुछ है लेयर कर रही है और हमारे बैकग्राउंड में चल रही है, हमें दिखाई नहीं देती। अगर देखना है तो इसके खास तरह की सर्विसेज होती है, टास्क मैनेजर की, तो सर्विस मैनेजर ओपन करोगे या तो फिर रिसोर्स मॉनिटर ओपन करोगे। ओके, रिसोर्स मॉनिटर ओपन करोगे, इसके अंदर आपको जो है लेयर मिल जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारी सॉरी हमारा जो टैब था वो ओपन करना होगा। ओके, ये जो है तो ये जो है हमारा सेशन जो है मैंने अभी बंद कर दिया, फिर से वही से मैं ओपन होता है, ये सेशन होता है। अब हम स्टेट की बात करें तो नो मतलब क्या होता है, नोन का मतलब एंट्री जो यूज़ होता है वो प्लेस होल्डर कनेक्शन जो होती है वो एकर होती है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम है। डबल SS का मतलब क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन से निकलता है, मतलब कि सिस्टम जो है स्टार्ट करते तो वो ट्राई करता है, पहली ट्राई होती है वो कनेक्ट हो अपने मेन सिस्टम के साथ। तो अगर आप राउटर का बंद कर देते हो, भी राउटर वो ऑन करते हो अचानक, तो वो ऐसे डायरेक्टली इंटरनेट नहीं चलता है, 1 सेकंड या 10 सेकंड भी आप राउटर को बंद करोगे तो वो 15 या 10 सेकंड तो लेगा ही लेगा अपने सिस्टम के मेन फंक्शन की, जहाँ से इंटरनेट भेजता है उसको भी वो अपना सिंक्रोनाइज करके सेंड करेगा, कनेक्शन बनाएगा और आपको फिर बाद में कनेक्शन देगा। फिर AST का मतलब इस्टेब्लिश करता है वो सेशन पैकेट पासिंग डेटा करता है, और पिन का मतलब होता है क्लाइंट सिस्टम पे फिर आपके कंप्यूटर के अंदर कनेक्शन को बनाएगा। फिर CW का मतलब होता है कि सर्वर सिस्टम की रिक्वायरमेंट, कनेक्शन स्टॉप है या ऑन है वो चेक करता है, बहुत कुछ जो होता है CW LA SEL वगैरह जो है आपको दे सकते हो।
अब डीआर का मतलब होता है इसकी जो डायरेक्शन इंटीरियर कन्वर्जेशन होती है, इसके अंदर आउटपुट होता है और इनपुट होता है, दोनों होते हैं। और ये दोनों जो होता है वो इन और आउट दोनों कनेक्शन के अंदर होता है, लैन और वैन में और वैन से लैन में दोनों के अंदर होता है। टाइम आउट जो होता है, क्या होता है कि कुछ ऐसे जितने भी पैकेट्स होते हैं वो उनकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और भी जो 300 सेकेंड, 240 सेकेंड, 7.8 सेकेंड, तो TCP कनेक्शन वगैरह जो होते हैं। अगर देखो देखो कि IRTC की वेबसाइट के अंदर अगर आपने ATM में देखा होगा तो ATM के अंदर जो होता है वो आपको 30 सेकंड देते हैं, कोई भी डेटा फिल करते हो 30 सेकंड या फिर आज के टाइम के अंदर 20 या 25 सेकंड ही होते हैं। आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है या तो फिर ऑटोमेटिकली आपको प्रोसेस रिसेट करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर आपको सेकंड की लिमिटेशन सेटअप की जाती है सिक्योरिटी के कारण। ओके, अब वायरलेस के सेक्शन में आते, तो वायरलेस सेक्शन के अंदर आपका जो IP एड्रेस के पहले आपका मैक एड्रेस जो होता है राउटर का IP एड्रेस, तो राउटर का जो मैक एड्रेस होता है उसी तरह से वायरलेस का भी मैक एड्रेस होता है। ओके, वायरलेस क्लाइंट के लिए भी IP एड्रेस जो है वो उसी लैन सिंगल IP एड्रेस कनेक्शन में मिलता है। मोड जो होता है वो ट्रांजिस्टर, और इसके अंदर बहुत सारे मोड आते हैं ABG और बहुत सारे। यहाँ पर रेट जो होता है उसका एक्चुअल ट्रांजिशन रेट आपको मिलता है, और मेगाबिट सिग्नल जो है ये भी बहुत कुछ आपको मिलने को होता है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो अगर मैं लॉक पर क्लिक करूँ तो ये लॉक पर आ जाएगा। ओके, इस तरह से इसको बनाया गया है यहाँ पर। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट से वीडियो के अंदर कि अगर हम राउटर नया लाते हैं, राउटर नया लाते तो हमें क्या करना चाहिए। ओके, मैं टोटली आपको जितना था मैंने आपको समझाया। ओके, स्टेटस की हम बात करें, पहले स्टेटस समझ लेते हैं कि जैसे तक ये स्टेटस मेरा पूरा राउटर का मुझे ये दे रहा है, डिवाइस का इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है। डिवाइस का इंफॉर्मेशन का मतलब कि मुझे ये जो टाइम बता रहा है यहाँ पर। ओके, और ये टाइम जो है मैंने फ्राइडे इस तरह से कुछ रखा हुआ है। ओके, क्योंकि हमारा फर्मवेयर वर्जन हमारा दिखाता है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ है, कुछ कनेक्शन का टाइप्स आपके सामने मिलेंगे जो सिर्फ वैन होता है। अब ये वैन अगर लिखा हुआ है तो समझ लो कि ये इंटरनेट का कनेक्शन और ये आपका कनेक्शन। ओके, ध्यान से रखना, ध्यान से समझना, दो कनेक्शन मेन है आपके लिए। ओके, तो मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कनेक्टिविटी जब होती है, कनेक्शन जब बनता है, या फिर यूँ कहे कि जब भी हमारा कोई वाइल्ड एरिया नेटवर्क सिस्टम होता है, बाहर का कोई इंटरनेट कनेक्शन जब आता है, तो उस कनेक्शन के अंदर हमें जो है वाइल्ड एरिया नेटवर्क पहले सेटअप करना पड़ता है। इंटरनेट का ये कनेक्शन होता है, और फिर बाद में लोकल या कनेक्शन मतलब कि हमारा कनेक्शन होता है। तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क के अंदर बहुत सारे टाइप के कनेक्शन आते हैं। कनेक्शन का टाइप कुछ भी हो सकता है, लेकिन कनेक्शन टाइप DSCP क्लाइंट्स कनेक्टेड है, मतलब कि वहाँ के उनके अंदर DSCP सर्वर होता है। तो उनकी जो DSCP सर्वर होता है वो जो है सभी को IP एड्रेस ऑटोमेटिकली कनेक्शन देना चाहते हैं, तो वो तो अगर ये DSCP रखेंगी उनके बिना ये जो है ये सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो DSCP जो रखा हुआ है, तो DSCP कनेक्शन जो होता है वो हमारे कनेक्शन के अंदर वैन के अंदर आ जाता है। ये वैन की बात कर रहा, अभी लैन की बात छोड़ दो। तो हमें कनेक्शन हमने केबल का किया है, कनेक्ट किया है, वैन के इंटरनेट का कनेक्शन होगा या तो फिर वैन के साइड कनेक्शन पोर्ट में, तो यहाँ पर कनेक्टेड लिखा होगा। नेटवर्क का हम स्टेटस की हम बात के इस्टाब्लिश है या नहीं, ये मेन चीज़ है। तो इस्टाब्लिश है या नहीं, इस्टाब्लिश का मतलब कि ये सेटअप हो चुका है या नहीं, तो ये स्टेटस हमें बताता है। ये इस्टाब्लिश है, कनेक्ट भी है, कम्प्लीट है। कनेक्शन का अप टाइम मुझे बता रहा है यहाँ पर कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ पर मैक एड्रेस मेरा राउटर का IP एड्रेस। ओके, राउटर का मैक एड्रेस है, राउटर का मैक एड्रेस मुझे ये चीज़ मिल गई है। ओके, तो अगर ध्यान से देखिए, ये राउटर का मुझे मैक एड्रेस मुझे ये मिल रहा है, मतलब कि ये जो है मेरा फिजिकल एड्रेस है, मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊँगा। आपका राउटर होगा तो राउटर की साइड पर या नीचे लेबल पर लिखा हुआ होता है कि आपका ये मैक एड्रेस होता है। इसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस के बारे में आपको समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि एक आईडी होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैक एड्रेस ही एक ऐसा एड्रेस होता है जो चेंज नहीं कर सकते हो आप। ओके,
क्योंकि इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये आदमी कौन से पैकेज या कौन सा सिक्योरिटी रिलेटेड हमें ढूंढना है तो हम ढूंढ सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है हमारे आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस जो है अगर डीएसपी आपने लिया है तो उनके डीएसपी किस तरह का है, उनका सामने वाला जो जियो है एयरटेल है या उनकी सिस्टम की नेटवर्क है किस तरह का डीएसपी। प्राइवेट वो डीएसपी देते हैं तो प्राइवेट के लिए आपको अलग से आईपी एड्रेस मिलेगी, मीन्स की वो चेंज ना हो। ये जो आईपी एड्रेस है जो चेंज होते रहते हैं और इसके कारण जो होता है हमारी वेबसाइट कभी भी ओपन नहीं होती। ये पब्लिक आईपी एड्रेस होती है क्योंकि इसके जो है हमें सिर्फ इंटरनेट करने से मतलब होता है। ओके, तो ऐसे राउटर जो होते हैं वो आईपी एड्रेस चेंज करते रहते हैं और ये जो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हमारी कोई इम्पोर्टेंट सिस्टम है, हमारी कोई इम्पोर्टेंट सर्वर है या टेक्नोलॉजी है तो हमें जो है पहले तो हमें आईपी एड्रेस फिक्स चाहिए होती है ताकि लोग जो है इसी आईपी एड्रेस के थ्रू आ सके। ओके, अभी तो आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 6 तो आ चुका है कब से, और आईपी वर्जन 6 डालना चाहते तो आईपी वर्जन 6 भी डाल देते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि आईपी एड्रेस मुझे क्लास सी का मिला हो, सॉरी क्लास ए से पहले क्लास मुझे बी का मिला है। ओके, क्लास बी का आईपी एड्रेस है तो क्लास बी का आईपी एड्रेस है तो मुझे क्लास बी के अंदर या फिर क्लास सी के अंदर मुझे क्या मिलेगा। ओके, तो क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्या है, किस तरह का है, ये आपको समझना होगा। तो क्लास ए है या बी है या क्लास सी है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, पता करना होगा आपको कि क्लास बी क्लास सी के अंदर कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो आप जो है उसको परचेस कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज आप लगाना पड़ेगा। अब ये जो है आईपी एड्रेस कभी भी डिफॉल्ट गेटवे जो होता है वो चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से इसको ओपन करूँ तो वो उनके राउटर को एक्सेस करने का तरीका हो गया। ओके, लेकिन ये जो है राउटर, ये मेरा राउटर इसको एक्सेस नहीं करने देगा। ओके, क्योंकि इसके अंदर एक फॉर्मवेयर की इसकी प्रोग्रामिंग होती है जो दूसरे राउटर मेक कर सकता हूँ, कब कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अथॉरिटी हो तो, क्योंकि ये जो गेटवे जो होता है वो उनके राउटर का है गेटवे। ओके, वो उनके राउटर मतलब कि मेरे राउटर के अंदर जो कनेक्शन है तो उसके ऊपर जहाँ से मुझे केबल आया वो उसकी उनके राउटर के अंदर से मुझे मिल रहा है, और उसके साथ मेरा जो उनके साथ उनके जो हमारा यूजर नेम पासवर्ड हम बनाते हैं और फिर हमारा कनेक्शन हमारा बनाता है, हमारा पैकेजेस होते हैं, कैसे स्टॉप होता है, तो उनके अंदर DNS सर्वर होता है, तो ये सर्वर उनका होता है, ये सर्वर का आईपी एड्रेस है। ओके, ये चीज़, तो ये जो है प्राइमरी सर्वर सेकेंडरी सर्वर का आईपी एड्रेस है, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में, अभी तक को समझाने के लिए 4.2.2.2 लिखा हुआ है, गूगल का देखोगे तो 8.8.8.8 इस तरह से गूगल का DNS आता है। ओके, तो ये चीज़ होगा वैन कनेक्शन। लैन कनेक्शन के अंदर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि ये हमारा कनेक्शन है, अपने तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, क्योंकि हम जो है मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, उनको DSCP बंद कर सकते हैं, ये भी वायरलेस भी हमारा जो है कनेक्शन जो है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक एड्रेस को छोड़ कर। ओके, फिर हमारा लैन कंप्यूटर के अंदर कितने कनेक्शन हैं, कितने लोग हैं, कहीं यहाँ पर मुझे हमें मिलते हैं। अगर IGMP का आपने मेम्बरशिप ली हुई, मैंने आपको IGMP समझाया था क्या होता है, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, तो राउटर के स्टेटस के बारे में आपको समझा दी होगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत से समझेंगे कि हमारा अगर राउटर नया लिया है तो हमें क्या पहले करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अगर आपके पास राउटर पुराना वाला है और आपने सिस्टम बना कि वो भी कैसे करना चाहिए, कैसे सेटअप करना चाहिए, सब कुछ दोनों तरफ से मैं समझाऊँगा। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकती है। तो थैंक यू, हैव नाइस नेक्स्ट टाइम, कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, में यहीं से शुरू करूँगा और हम समझेंगे पहले सेटअप के बारे में। ओके, और इंटरनेट कनेक्शन के सेटअप के अंदर इंटरनेट कनेक्शन के ऑप्शन के बारे में समझेंगे। ओके, सब कुछ मैं वन बाय वन समझाऊँगा। अभी राउटर का ये जो है P-Link राउटर या फिर यू कहें कि हमारे DSL राउटर की बहुत सारी वीडियो में लेकर आऊँगा। ओके, ताकि अच्छे से आप कम्प्लीटली समझ पाओ। ओके, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना कभी मत भूलिए, लाइक करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे और अच्छी तरह से बेहतर बनाने के लिए एक आपका एक सपोर्ट मिलता है। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे।
तो थैंक यू, हैव नाइस डे। सभी वीडियो को 5वां से देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। होगी तो हम नहीं से शुरू करेंगे। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोज मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है, क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।